हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप भी मेरे तरह लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हो। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको तीन चीज़ों की जरूरत होगी। पहली चीज है एक अच्छा सा गेमिंग कंप्यूटर जिसके ऊपर आप गेम खेलते समय स्ट्रीम कर सकते हो। दूसरी चीज़ है एक अच्छा सा माइक एंड वेबकैम, पूरा ऑप्शनल है गाइज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, आपको चाहिए होगा एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। तो ये तीन चीज़ें होने के बाद आपको गाइज चाहिए होगा एक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर जो कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे मैं गया streamlabs.com के ऊपर एंड यहाँ पे मैंने डाउनलोड streamlabs के ऊपर क्लिक किया एंड देन स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया। मेरे पास ऑलरेडी streamlabs का सेटअप पड़ा है एंड मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो मैं दोबारा से डाउनलोड नहीं करना। आपको गाइस स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद सिंपल सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद गाइस आपको स्ट्रीमलैब्स के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है, स्ट्रीमलैब्स ओबीएस के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड देन रन एज एडमिनिस्टर करना है। तो कि गाइज आपका स्ट्रीमलेस ओबीएस सॉफ्टवेयर बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा, स्ट्रीमिंग के टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इवन आपके इन गेम एफपीएस ड्रॉप नहीं होगे। तो गाइज आपके पीसी में स्ट्रीमलेस ओबीएस इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, ओरलेस इंस्टॉल करने हैं उसमें। तो गाइज मेरे पे ऑलरेडी ओरलेस इंस्टॉलेड है, आपको मैं जस्ट बता देता हूँ आप ओरलेस इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। आपको गाइज ओवरलेज मिल सकते हैं ऑनलाइन जो कि फ्री अवेलेबल हो, आप वहां से यूज कर सकते हो या फिर आपको खुद बनाने होंगे। तो गाइज ओवरलेज इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सीन कलेक्शंस में, इंपोर्ट ओवरले फाइल। देन गाइज यहाँ पे ऐसी फाइल ओपन होती है, लाइक उसका नेम कैसा रहता है, डॉट ओवरले। तो गाइज यहाँ पे ओके कर देना एंड यहाँ पे ओपन करने के बाद गाइज डायरेक्टली आपका जो भी ओवरलेज का सीन हो गए वो डायरेक्टली आपके स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी सीन इंस्टॉल किए हुए हैं मैंने स्ट्रीमलैब्स ओबीएस के अंदर, तो वापस मैं दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तो गाइज सेटिंग्स में और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि जनरल में जाने के बाद यहाँ पे खूब चीज़ें हैं। कन्फर्म स्ट्रीम टाइटल एंड गेम बिफोर गोइंग लाइव, ये मैंने ऑन करके रखा है। बाकी लैंग्वेज इंग्लिश रखी है। आउटपुट में गाइज मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी है, जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। और बाकी चीज़ें जो मैंने बाय डिफॉल्ट छोड़ दी है। उसके बाद नेक्स्ट टैब आती है गाइज स्ट्रीम की, उसके ऊपर जाने के बाद गाइज मैंने सिलेक्ट करके रखा है स्ट्रीम टाइप। तो यहाँ पे स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो कि बाय डिफॉल्ट है, और नीचे की इसमें सर्विसेज में गाइज आप ट्विच सिलेक्ट कर सकते हो, फेसबुक सिलेक्ट कर सकते हो, वो सर्विस आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज मैं यूट्यूब पे स्ट्रीम करता हूँ तो मैंने यूट्यूब पर सिलेक्ट करके रखा है। एंड गाइज यहाँ पे यूट्यूब पे दो सर्वर, एक प्राइमरी और बैकअप, आप दोनों के ऊपर स्ट्रीम कर सकते हो। तो गाइज मैंने यहाँ पे प्राइमरी सिलेक्ट किया हुआ है। एंड गाइज आपको स्ट्रीम की आपको आपके यूट्यूब चैनल से मिलेगी या फिर जो भी आप सर्विसेज पे स्ट्रीम कर रहे हो वहाँ से मिलेगी। वहाँ से आपको जस्ट कॉपी करना है, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद गाइज आते हैं आउटपुट में। आउटपुट में गाइज दो मोड है, एक सिंपल मोड है एंड एक है एडवांस मोड। तो गाइज यहाँ पे आपको एडवांस मोड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे स्ट्रीमिंग की पहली टैब में गाइज ऑडियो ट्रैक तो वन सिलेक्ट है। यहाँ पे एनकोडर अलग अलग हो गए, लाइक H.264 हार्डवेयर NVENC एंड हार्डवेयर NVENC न्यू। तो गाइज आपको हार्डवेयर NVENC न्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद एनफोर्स स्ट्रीमिंग सर्विस एनकोडर सेटिंग को आपको एनेबल करना है, जिससे क्या होगा गाइज आपकी जो स्ट्रीमिंग परफॉर्मेंस होगी और भी स्मूथली वर्क होगी। उसके बाद गाइज रेट कंट्रोल, रेट कंट्रोल क्या होता है गाइज,
कि आपका जो भी इंटरनेट का स्पीड है एंड आपको स्ट्रीम कितनी क्वालिटी में रखनी है, लाइक 720p 1080p। तो गाइज यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। इसमें रेट कंट्रोल में तीन चीज़ें आती है, एक तो है कांस्टेंट बिट रेट जिसको CBR बोलते हैं। VBR क्या होता है गाइज? VBR होता है वेरिएबल बिट रेट, जो कि मैंने सिलेक्ट करके रखा है। और आता है गाइज CQL। तो गाइज यहाँ पे मैंने VBR सिलेक्ट करके रखा है। VBR का मैंने बिट रेट रखा है 4500 to 9000 के बीच में। सो गाइज मैं स्ट्रीम करता हूँ 1080p एट 60 FPS के ऊपर। सो गाइज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आपके जो इंटरनेट की स्पीड है उसको 8 से डिवाइड करो। 8 से डिवाइड करने के बाद गाइज आपको आपका बिट रेट पता चल जाएगा, कितने आपको इंटरनेट की एक्चुअल स्पीड मिल रही है, उस हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू एंटर करो। और गाइज मैं प्रिफर करूँगा आप भी VBR यूज करो, बिकॉज गाइज कभी कभार इंटरनेट कनेक्शन का स्पीड अच्छा आता है, कभी कभार कम आता है, कभी स्टेबल कनेक्शन रहता है, कभी अनस्टेबल रहता है। तो गाइज मैं यहाँ पे प्रिफर करूँगा आप भी VBR यूज करो और आपको स्ट्रीम का स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे की फ्रेम जो कि बाय डिफॉल्ट 0 है, तो इसको 0 ही रहने दो गाइज। प्रीसेट में आप क्वालिटी करो, अगर आपके पास अच्छा हार्डवेयर रहेगा तो आप मैक्स क्वालिटी भी कर सकते हो, या फिर उसके नीचे मैक्स परफॉर्मेंस, उसके नीचे परफॉर्मेंस, तो आप इसको वैरी कर सकते हो। तो गाइज मेरा प्रोसेसर भी अच्छा है, ग्राफिक कार्ड भी अच्छा है, इसलिए मैंने क्वालिटी करके रखा है। और गाइज मैंने प्रोफाइल हाई करके रखी है और बाकी लुक ऐड को ऑफ करके रखा है एंड साइको विजुअल ट्यूनिंग को ऑन करके रखा है। एक GPU का यूज होता है इसमें एंड GPU यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 करके रखा है। मैक्स बी फ्रेम्स गाइज FPS गेम के लिए 2 रहता है एंड आप स्टोरी मोड गेम खेलते हो लाइक GTA 5, साइबर पंक, उसके लिए आप 4 कर सकते हो। तो गाइज ये मैक्स बी फ्रेम्स स्मूथ एंड अच्छी क्वालिटी परफॉर्म करने में आपको मदद करेगा। उसके बाद आते हैं गाइज रिकॉर्डिंग में। यहाँ पे रिकॉर्डिंग टाइप मैंने स्टैंडर्ड रखा है। रिकॉर्डिंग पाथ आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हो आप दे सकते हो। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपके पास गाइज बहुत सारे ऑप्शन है लाइक MP4। तो गाइज मैंने यहाँ पे MP4 सिलेक्ट किया है जो कि बहुत बेहतरीन रिकॉर्डिंग क्वालिटी देता है। ऑडियो ट्रैक भी यहाँ पे गाइज मैंने 1 सिलेक्ट करके रखा है। रिकॉर्डिंग में भी मैंने हार्डवेयर NVENC न्यू सिलेक्ट करके रखा है जो कि GPU का है मेरा। तो यहाँ पे गाइज मैंने कस्टम मक्सर सेटिंग भी ऑफ करके रखी है। इवन मेरे पास मैंने सेम रेट कंट्रोल रखा है VBR का एंड बिट रेट गाइज यहाँ पे आप जितना चाहे रख सकते हो, पर मैंने गाइज 1080p एट 60 FPS के लिए ही बिट रेट रखा है 4500 to 9000 के बीच में। उसके बाद गाइज आता है की फ्रेम इंटरवल, तो मैंने गाइज उसको 0 रख दिया है बाय डिफॉल्ट। प्रीसेट को आप चेंज कर सकते हो लाइक मैंने प्रीवियस बताया था। अगर आपका हार्डवेयर अच्छा होगा तो आप गाइज मैक्स क्वालिटी कर सकते हो, अगर आपका हार्डवेयर अच्छा नहीं होगा तो आप मैक्स परफॉर्मेंस या फिर परफॉर्मेंस कर सकते हो, इसको आप वैरी कर सकते हो। उसके बाद गाइज आता है प्रोफाइल जो कि मैंने हाई रखा है, आपको फास्ट या स्लो भी रख सकते हो एज डिपेंड ऑन योर हार्डवेयर। उसके बाद गाइज आता है लुक अहेड जो कि मैंने बाय डिफॉल्ट टर्न ऑफ रखा है। साइको विजुअल ट्यूनिंग मैंने ऑन रखी है जो कि ग्राफिक कार्ड के इसमें यूज होती है। GPU मैंने 0 है क्योंकि गाइज मैंने एक ही ग्राफिक कार्ड लगाया, इसलिए मैंने 0 रखा है। अगर मेरे पास 2 ग्राफिक कार्ड होते तो यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता। मैक्स बी फ्रेम्स जो कि मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था गाइज, जो भी FPS गेम रहते उसके अंदर आपको 2 रखना है और स्टोरी मोड गेम्स के अंदर आपको 4 रखना है, जो कि आपको बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग क्वालिटी देगा। उसके बाद गाइज आते हैं ऑडियो की सेटिंग्स में। ऑडियो के इसमें मैंने सभी ट्रैक्स को ऑडियो का बिट रेट 320 कर दिया है जो कि मुझे ऑडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी देता है।
उसके बाद गाइज ऑडियो में आ जाते हैं। ऑडियो में मैंने जो सिंपल रेट है वो बाय डिफॉल्ट रखा है, चैनल भी स्टेरियो जो कि बाय डिफॉल्ट है वही रखा है। डेस्कटॉप ऑडियो डिवाइस 1 मैंने डिसेबल कर दिया है, डेस्कटॉप 2 ऑडियो डिवाइस 2 भी मैंने डिसेबल कर दिया है, एंड माइक एंड ऑक्सिलरी डिवाइस मैंने वॉइस मीटर ऑक्स आउटपुट वीबी ऑडियो वॉइस मीटर ऑक्स वीओ को सिलेक्ट कर दिया है, एंड माइक 2 ऑक्सिलरी डिवाइस 2 एंड 3 दोनों को मैंने ऑफ कर दिया है। इसके बारे में मैं गाइज अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो गाइज अगला वाला वीडियो जरूर देखना, जिससे आपकी माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद गाइज आते हैं वीडियो की टैब के ऊपर। तो गाइज मैंने कैनवास बेस रिजोल्यूशन रखा है 1080p एंड आउटपुट रिजोल्यूशन रखा है 1080p। तो गाइज आप ये दोनों को चेंज कर सकते हो, लाइक आपका मॉनिटर है 720p तो यहाँ पे बेस कैनवास रिजोल्यूशन में आपको दिखाएगा 720p, एंड गाइज आप आउटपुट रिजोल्यूशन में भी आपको दिखाएगा 720p। अगर आपका बेस कैनवास रिजोल्यूशन, माना कि आपका मॉनिटर 1080p है और आपको यहाँ पे 720p में रिकॉर्डिंग चाहिए, माना कि आउटपुट चाहिए, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है, आपको मल्टीपल ऑप्शन देंगे एंड वहाँ से आपको 720p सिलेक्ट करना है। डाउन स्केल फिल्टर गाइज, लैन कॉज शार्प एंड स्केलिंग 32 सैम्पल है, एक बेस्ट फिल्टर है गाइज। तो मैंने यहाँ पे यही सिलेक्ट किया है, आपको भी यही सिलेक्ट करना है। अगर आपके इसमें कोई दिक्कत होती रहेगी तो आप बाइक्यूबिक 16 सैम्पल्स के साथ साथ भी जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा फिल्टर है, बट मैं गाइज रिकमेंड करूंगा लैन कॉज शार्प एंड स्केलिंग 32 सैम्पल्स। उसके बाद गाइज आते हैं एफपीएस टाइप में। तो गाइज मैंने सिलेक्ट करके रखा है कॉमन एफपीएस वैल्यू, और एफपीएस की वैल्यू मैंने दे रखी है 60 एफपीएस। आपका हार्डवेयर इतना अच्छा नहीं रहेगा तो गाइज आप 30 एफपीएस के ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर स्ट्रीम कर सकते हो। एफपीएस मतलब गाइज क्या होता है, फ्रेम्स पर सेकेंड। जितने फ्रेम्स पर सेकेंड ज़्यादा होंगे उतना ही आपका वीडियो स्टेबल स्मूथ होगा। तो उसके बाद गाइज हॉटकीज के टैग के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आप अपने हॉटकीज सेट कर सकते हो। गाइज यहाँ पे आप अपनी सुटेबल हॉटकीज सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको फास्ट परफॉर्म एक्शन करने में मदद मिलेगी। तो गाइज आपको जैसी सूट होती है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद गाइज आते हैं एडवांस मोड में। एडवांस मोड में गाइज जनरल में प्रोसेस प्रायोरिटी मैंने नॉर्मल रखी है, इसको आप लो रख सकते हो या फिर हाई रख सकते हो, एज डिपेंड ऑन योर हार्डवेयर, बट मैं रिकमेंड करूंगा गाइज नॉर्मल रखो, नॉर्मली बेस्ट है। यहाँ पे मैंने कलर फॉर्मेट रखा है NV12 और YUV कलर स्पेस रखा है 601, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, बट मैंने नोटिस किया है कि गाइज NV12 कलर का फॉर्मेट एंड YUV कलर स्पेस दोनों ऐसे सेट करने के बाद बहुत अच्छे से वर्क करते हैं एंड आपको स्टेबल परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। YUV कलर रेंज मैंने पार्शल रखा है, जो कि बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट देता है। उसके बाद गाइज ऑडियो में ऑडियो मॉनिटरिंग डिवाइस को मैंने बाय डिफॉल्ट रख दिया है, जो कि मेरा सिस्टम का है। उसके बाद गाइज आता है रिप्ले बफर्स। रिप्ले बफर्स में मैंने बाय डिफॉल्ट जो है वैसे ही रखा है। स्ट्रीम डिले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, मैंने स्ट्रीम डिले ऑफ करके रखा है, बट आप यहाँ पे एनेबल क्लिक करने के बाद स्ट्रीम डिले चालू कर सकते हो। ड्यूरेशन मैंने 3 सेकंड का रखा है, आपको आपके हिसाब से जो भी रखना है रख सकते हो। उसके बाद गाइज आता है ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट। गाइज कभी कभार ऐसा होता है ना, इंटरनेट अच्छे से साथ नहीं रहता, इंटरनेट बंद हो जाता है या फिर अनस्टेबल रहता है, तो ऐसे में स्ट्रीम को ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एनेबल करना पड़ेगा, एंड रिट्राई डिले का मैंने गाइज 5 सेकेंड का डिले लगा के रखा है, एंड उसकी री एंट्रीज 20 करके रखी है। तो गाइज जब भी स्ट्रीम में कोई दिक्कत आती है इंटरनेट की, तो ये ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है। उसके बाद गाइज मैंने नेटवर्क एंड सोर्सेज एंड मीडिया फाइल्स को जैसे ही बाय डिफॉल्ट था वैसे छोड़ दिए। यहाँ पे सीन कलेक्शन का तो आपको बता दिया स्टार्टिंग में, नोटिफिकेशन जो बाय डिफॉल्ट है वही रखी है, अपीयरेंस आपको जैसे थीम चाहिए वैसे रख सकते हो, रिमोट कंट्रोल। सो गाइज रिमोट कंट्रोल मतलब आप आपका स्ट्रीम का जो भी सीन से
आप अपने मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद गाइज आता है वर्चुअल कैमरा, इसके बारे में भी मैं गाइज अलग से वीडियो बनाऊंगा। एंड गाइज यहाँ पे गेम ओवरले जो कि मैंने ऑफ करके रखी है, जिसकी भी जरूरत नहीं होती। तो गाइज यहाँ पे तो आपकी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। सो गाइज आपको डन करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी सारी सेटिंग सेव हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे सारे ओवरलेज के सीन सेट हो चुके हैं, पूरी सेटिंग सेट हो चुकी है। तो गाइज यहाँ पे हम गेम कैसे कैप्चर करें, तो गाइज सिंपली आपको जाना है इन गेम में। उसके बाद यहाँ पे आपको सोर्स ऐड करना है, यहाँ पे प्लस आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आना है गेम कैप्चर के ऊपर। सो गाइज बेसिकली गेम कैप्चर करता है कि जो भी आप गेम खेल रहे हो उसको स्मूथली कैप्चर करेगा, जिसमें कोई लैग नहीं होगा। तो आपको सिंपली गेम कैप्चर को सिलेक्ट करना है एंड एज सोर्स के ऊपर क्लिक करना है। बाकी के जो भी टूल्स है गाइज मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक्सप्लेन करूंगा तो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइज आपने गेम कैप्चर को ऐड कर लिया, मेरे पास ऑलरेडी गेम कैप्चर है तो मैं दोबारा से ऐड नहीं करूंगा। उसके बाद क्या करना है गाइज, आपको जब भी स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग करनी है तो गाइज सबसे पहले आपको स्ट्रीम लैब्स रन एज एडमिनिस्टर मोड में ऑन करना है। उसके बाद आपको जो भी गेम है वो लॉन्च करनी है एंड यहाँ पे गो लाइव के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज आपकी लाइव स्ट्रीम चालू हो जाएगी, उसके साथ साथ आपकी रिकॉर्डिंग भी चालू हो जाएगी। तो गाइज स्ट्रीम लैब्स ओबीएस में बहुत सारी चीज़ें कवर करने बाकी है। तो गाइज आपको यह चीज़ें मैं आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। अगर गाइज आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं ऐसे बढ़िया वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।